भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले राकेश टिकैत ने कहा है कि वो लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। टिकैत ने कहा है कि वो दिल्ली की तरह लखनऊ जाने के सभी रास्तों को सील कर देंगे। टिकैत ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत बुलाने का ऐलान किया और कहा है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, किसानों का आंदोलन जारी रहने वाला है। सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी, किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करे, नहीं काम होगा। वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बना जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील है, ऐसे ही सील होंगे, उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। और वही राकेश टिकैत के लखनऊ को दिल्ली बनाने वाले बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कांग्रेस का कहना है कि किसान आंदोलन लखनऊ में शुरू होगा तो पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी होगी, और भाजपा ने राकेश टिकैत के बयान पर आक्रमण किया है। उत्तर प्रदेश, पूरा देश किसानों के साथ है, किसान आंदोलन साथ है। यदि किसान आंदोलन लखनऊ में शुरू होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ, किसान आंदोलन के साथ खड़ी नजर आएगी, और तब तक खड़ी नजर आएगी जब तक भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार तीनों किसानों के विरुद्ध बनाए गए काले कानून को वापस नहीं लेती है। किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर ऐसे ही लोगों ने अराजकता मचाने का काम किया था, उपद्रव किया था, देश भूला नहीं है। अब 15 अगस्त के पहले फिर इस तरह की तैयारी शुरू की जा रही है। देश की आजादी का जश्न आम नागरिकों के लिए है, सब मिलकर के मनाए। नौजवान, किसान, महिलाएं, बच्चे, सबके लिए उत्साह का अवसर होता है, उल्लास का अवसर होता है। लेकिन अगर ऐसे आजादी के जश्न में अगर कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो सरकार सख्ती के साथ निपटेगी। और एक बड़ी अपडेट, लखनऊ में सपा नेता की 2.5 अरब की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व राज्य मंत्री की संपत्ति कुर्क हुई है। पूर्व राज्य मंत्री इकबाल और उसके पिता अजमत पर कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण समेत कई केस दर्ज हैं। कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया है कि अजमत अली और उसका बेटा इकबाल एक संगठित गिरोह चलाते हैं। गिरोह का मुखिया अजमत अली है। दोनों समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों और काली कमाई का हिसाब किताब किया गया तो ये 2.5 अरब रुपए से ज्यादा की निकली है। ठग पिता पुत्रों की चल अचल संपत्तियां कुर्क करके उसे सरकार से अटैच कर दिया गया है। की अवैध अर्जित संपत्ति जिसकी कुल कीमत 2,54,45,02,951 रुपये आज सक्षम न्यायालय के द्वारा राज्य के हक में कुर्क किया गया है।